Most passenger cars are recommended 32 to 35 PSI for their tires. PSI stands for pound force per square inch. और कोल्ड टायर का मतलब होता है कि गाड़ी बहुत देर तक पार्क था और चलाने। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में जो रिकमेंडेड PSI होता है वो डोर्स पे लिखा होता है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। जैसा मैं बोल रहा था, काइगर में ये जगह पे रिकमेंडेड PSI लिखा हुआ रहता है। सिमिलरली दूसरे गाड़ियों में आपका रिकमेंडेड PSI दरवाज़ा के इस तरफ पे कहीं लिखा हुआ रहेगा। सम टिप्स टू मेंटेन योर टायर इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। पहला कि आपका अगर गाड़ी में ज़्यादा लगेज या पैसेंजर्स हो रहा है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप अपना टायर्स 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा एक्स्ट्रा भराए। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप नॉर्मली 32 भरा रहे लेट्स से, तो उस टाइम पे आप 34 या 35 भराने से जो एक्स्ट्रा लोड है वो लेने में आसान हो जाता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इट इज़ रिकमेंडेड कि अपना टायर्स को आप ओवर इन्फ्लेट मत कीजिए, क्योंकि अगर ओवर इन्फ्लेट करेंगे तो जो अब्सॉर्ब करने का जो क्षमता है टायर्स का रोड से वो चला जाता है और ग्रिप भी नहीं रहता है। इट इज़ डेंजरस। सिमिलरली अंडर इन्फ्लेट भी मत कीजिए, क्योंकि आपका इंजन को ज़्यादा पावर लगेगा टू ड्रैग द कार और उस वजह से माइलेज कम हो जाएगी और टायर्स जो है वो ज़्यादा जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे। Whether using nitrogen for your tires is a separate topic of discussion. Nitrogen is more stable than oxygen and hence it helps to reduce the temperature in the tires. Also, nitrogen-filled tires stay inflated for a longer time and hence easier handling, better fuel economy and longer tire life. However, nitrogen refills are more expensive and also they are not readily available everywhere in the country. That's it for this video. Agar ye video aap logo ko helpful aur informative laga ho to please give it a thumbs up. Aur mera content apna channel pe agar acha lagta ho to mera channel ko zarur aap log subscribe kijiyega. Aap logo ka ek ek subscription se mere ko aur ummeed aur encouragement milta hai. So till the next time,